इडली खा लो बेटा। अंतरा ठीक है सब बेटा। अंतरा तू घर पे ही था, फिर खेलने क्यों नहीं आया? डांट खाई? मैं रोज खाता हूँ। मुझे हैरी पॉटर का नया पार्ट देखने जाना था, लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया। अच्छा किया, एकदम बकवास मूवी है। आज तेरे घर की घड़ी में 8 नहीं बजे क्या? बजे क्यों? फिर तेरी घड़ी, मतलब तेरी बहन अंतरा खेलने क्यों नहीं आई? मुझे लगा सबकी घड़ी गलत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ अंतरा को? ठीक है, थैंक्स। क्या कहा विक्रम? विक्रम का कहना है कि अंतरा कुछ कहना चाहती, और जब तक वो अपने अंदर की बात नहीं कहेगी वो ऐसे ही परेशान रहेगी। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो आंटी। कल यहाँ 12 बजे के बाद कुछ नहीं बचेगा। अंकल अंतरा ये क्या बोल रही है? पता नहीं, कल शाम से वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही। उसकी बातों से लगता है जैसे 12 बजे कहीं बम ब्लास्ट होने वाला है। अंकल कल जो बम ब्लास्ट हो गया ना, ये उसी बिल्डिंग की बात कर रही है। अगर वो कोई और बिल्डिंग हुई तो? बोलो अंतरा। कल यहाँ 12 बजे के बाद कुछ नहीं बचेगा। मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ। पुलिस स्टेशन? नहीं अंकल, वो बहुत सवाल जवाब करते हैं, पहले भी उन्होंने बहुत परेशान किया है। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अंतरा चलो। आदित्य चलो। अंतरा आदित्य। अंतरा चलो, कुछ नहीं होगा, पापा है ना तुम्हारे साथ, चलो। आदित्य रुको, एक अब और नहीं रुक सकते विद्या। अगर अंतरा ने कुछ बोला नहीं तो न जाने कितनी बेगुनाह जाने चली जाएगी। बच्चे बिना बोले भी अपने मन की बात कहते हैं आदित्य। मेरे पास एक तरीका है अंतरा को समझने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा आज मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसमें आपने कल जो भी देखा वो आप बोलकर नहीं ड्रॉ करके बताएंगे। और जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसको एक प्राइज भी मिलेगा, आइसक्रीम। तो चलो फिर ड्राइंग शुरू करो। और हाँ, कोई बात भी नहीं करेगा और चीटिंग भी नहीं करेगा, राइट? चलो शुरू करो। किसी ने पुलिस स्टेशन में फोन किया था? मैंने किया था। क्यों? जी वो आपको कुछ दिखाना था। आप आइए ना, अंदर आइए ना प्लीज।